नमस्कार। बहुत सारे लोग अपना घर बनाते समय किस तरह की क्या गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, यदि आप अपना ईस्ट फेसिंग घर बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। वरना ये मान के चलिए, जो आपकी अपनी ग्रोथ है, जो उन्नति है, जो तरक्की होनी चाहिए, उस तरक्की में बाधा आनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो गलती करते हैं मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मान लीजिएगा ये एक प्लॉट है और ये अपना रोड है और इसमें आप एक मंजिल, दो मंजिल, तीन मंजिल घर बनाने जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ्रंट का जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन के चक्कर में फ्रंट के भाग को ऊंचा कर देते हैं और पीछे के भाग को नीचा कर देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, मान लीजिए फ्रंट और बैक में ओपन एरिया रखा हुआ है और ये आप अपनी इतनी बिल्डिंग बना रहे हैं, इसमें यहाँ पर ये आपका ईस्ट है, ये आपका अपना वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, ये हमारी डायरेक्शन बनती है। ये हमारा ईस्ट का भाग है, इसमें आपने गेट नॉर्थ ईस्ट में लगाया है या ईस्ट सेंटर में लगाया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप अपने घर के आगे के भाग को, ये मान लीजिए आपको ढाई मंजिल बनाना है, तो ऐसे में आप आगे का फ्रंट के भाग में एलिवेशन दिखाने के चक्कर में ये दो मंजिल बना देते हैं, ढाई मंजिल बना देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका ईस्ट का भाग ऊंचा हो जाता है, और जब ईस्ट का भाग ऊंचा होता है यानी पूर्व दिशा ऊंची होती है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ ईस्ट कॉर्नर तक, तो ऐसे घर में हमेशा ही मान सम्मान में कमी आती है, ग्रोथ नहीं होती, उन्नति नहीं होती, तरक्की नहीं होती। यदि आप अपना घर बनाने जा रहे हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ही जब आप अपने दो मंजिल, ढाई मंजिल, तीन मंजिल बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जैसे आप ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं तो कंप्लीट बैक टू फ्रंट एरिया बन जाता है, ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो वो भी बैक टू फ्रंट कंप्लीट एरिया बन जाता है। लेकिन जब आप सेकंड फ्लोर बनाते हैं उसमें आगे का भाग ऊंचा कर देते हैं तो उसके कारण वास्तु दोष बनता है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपने बड़ी मेहनत से पैसे कमाए और वो पैसे इकट्ठे करके आप अपना घर बना रहे हैं ताकि आप उस घर के अंदर सुख से रह सके। यदि आपका इष्ट का भाग ऊंचा हो जाता है तो आपका सुख तो जीवन से गया, परेशानियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, जो आपका बैक साइड का एरिया है, पीछे का एरिया, जो पश्चिम दिशा का एरिया है, इस हिस्से में आप अपनी बिल्डिंग को बनाएं और आगे के भाग को ओपन टेरेस रखें। क्या रखें, ओपन टेरेस, खुला स्थान यानी खुली छत। ऐसा करेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेंगे, आपको उस घर में आने के बाद सुख जरूर मिलेगा। यदि आपने अपना घर बनाया हुआ है और आगे का भाग यानी ईस्ट पूर्व दिशा ऊंची है और पश्चिम दिशा नीची है, खाली है, तो आपने क्या काम करना है, पश्चिम दिशा में इस पूरे एरिया में कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये एरिया आपका इक्वल हो जाएगा, जब ये एरिया इक्वल हो जाएगा तो जो आपका ईस्ट में पूर्व दिशा में एरिया बना हुआ है उसका वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है। जब हम इसी से टच करते हुए पश्चिम का भाग भी कंप्लीट पूरा बना लेते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर कंप्लीट पूरा बन जाता है, यानी छत का लेवल एक हो जाता है, तो उसका वास्तु दोष खत्म हो जाता है। तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है, जब आप अपना नया घर बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी ईस्ट पूर्व दिशा का भाग ऊंचा नहीं होना चाहिए, वरना आपके जीवन में बेवजह की परेशानी, बेवजह की तकलीफ बनी रहेगी। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को आप अपने सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सर्कल में, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपके रिलेटिव है, कोई ना कोई व्यक्ति आपके जो नज़दीक है वो कोई ना कोई घर जरूर बना रहा होगा, यदि वो घर बना रहा है और आप ये वीडियो उसको शेयर कर देते हैं तो हो सकता है ये वीडियो उस व्यक्ति के काम आ जाए।
मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी करें, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।